भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनियों गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ऋषि वशिष्ठ को राजा बने बिना जो सम्मान प्राप्त था, उसके सामने राजा का भी पद छोटा दिखता था। वशिष्ठ संत शिरोमणि हैं, गुरु शिरोमणि हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, आध्यात्मिक संसार में जितने भी सोपान हो सकते हैं उसके शिखर पर विद्यमान है गुरु वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ की ख्याति विशेषकर इक्ष्वाकु कुल के कुलगुरु के रूप में है। वे महाराज इक्ष्वाकु को राजधर्म की शिक्षा देते हैं और आगे चलकर उनकी कई पीढ़ी महाराज दशरथ और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि को भी शिक्षा दी। इसी विषय में एक कथा है। एक बार परमपिता ब्रह्मा महर्षि वशिष्ठ को सूर्यवंश के कुलगुरु का दायित्व संभालने के लिए कहते हैं। साथ में ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि इसी कुल में आगे जाकर भगवान विष्णु श्री राम अवतार में जन्म लेंगे और उन्हें उनका गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के कुलगुरु का स्थान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, वैसे ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी सभी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और सील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही सब चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं और ठिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निगुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं।